बढ़ा ले बढ़ा ले। और मेरे को लग रहा है मैंने ना फोन छोड़ दिया वहीं पे। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। रोज आप बोर हुए होंगे फेस वाली वीडियोस देख के, आज आपको पूरा एक मोटर व्लॉग दिखाते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ हरिद्वार, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक सरप्राइज आ रखा है, एक सामान लेने जाना है मैंने हरिद्वार। और हो चुके मेरे को 20 मिनट की लेट, क्योंकि 8:45 पे उनकी ट्रेन आ जाएगी और 8:20 अभी मेरे को ऋषिकेश में हो चुके हैं। तो होप करते हैं कि टाइम तक पहुँच जाऊँ, और पहले पेट्रोल डला लेते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वही धक्का कौन मारेगा रास्ते में। अरे बाप रे भाई साहब, ऐसी ही लेट हो रही है। और यहाँ भीड़ का वो देखो कितना तेज है। दो सौ लीजिए अंकल। तो हमारी गाड़ी ने कर ली पेट पूजा और हरिद्वार जाना है हमारा काम दूजा, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। भाई मैंने देखा है, पता है अगर मैं मोटर व्लॉग बनाता हूँ ना ज्यादा, तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। मतलब आप लोगों को पसंद है मेरे को मोटर व्लॉगिंग करते देखना। और अच्छा है कि आज ना धूप नहीं निकली, क्योंकि यार इतने बजे तक ना 8:15 तक इतनी तेज धूप निकल जाती है, मतलब और मेरे को ना धूप से बहुत चुभन होती है भाई, सच बता दूं। जैसी धूप मेरे शरीर पे लगती है मेरे को हो जाती है खुजली, क्योंकि धूप से बहुत चुभन होती है मेरी बॉडी में, इचिंग हो जाती है पूरी बॉडी में, मन करता है कि छाव में बैठो सीधा। और हमारे ऋषिकेश की धूप तो भाई बहुत ज्यादा चुभती है, मतलब आप एक घंटा निकल जाओ और इतना गंदा टैन हो जाएगा ना आपको कि क्या ही बताऊं यार। मैं पता जितनी बार भी वाटर व्लॉगिंग करता हूँ ना, मेरे जबान पे पता नहीं अलग अलग बोली चढ़ जाती है। जैसे मैं और मोटर व्लॉगर्स को देखता हूँ, कभी उनकी बोली बोलने की कोशिश करता हूँ तो ना बोल जाती है वही, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में रहती है ना वो। बढ़ा ले बढ़ा ले। NDS की बस कृपया भाई तरफ से ओवरटेक ना करें, बच्चे उतर रहे हैं। गाइस आई होप आपको ये हमारी ऑलमोस्ट डेली व्लॉग की सीरीज पसंद आ रही होगी, ऑलमोस्ट डेली व्लॉग्स की सीरीज। अगर मैं स्पीड से चलता रहा ना भाई, मेरे को कम से कम नहीं तो एक घंटा लगेगा पहुंचने में, क्योंकि स्कूटी है ना, स्कूटी उतनी स्पीड में भागती नहीं है और मैं रैश ड्राइविंग करता भी नहीं हूँ। झूठी है शब्द रप्पा, रब्बा दिल भी है झूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा सब कुछ तेरा, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा। और ये हम बस स्टैंड की तरफ पहुंचते हुए, और यहाँ मैं पहुंच गया हूँ भाई हरिद्वार। और हरिद्वार मेरे को पहुंचने में, देखो रायवाला पहुंचने में ना मेरे को लग गया था आधा घंटा, क्योंकि जाम बहुत था। और फिर हमने रायवाला से बाइक ये स्कूटी भगाई अपनी और हम और जल्दी पहुंच गए। तो मोटा मोटा 50 मिनट लगे हैं मेरे को पहुंचने में हरिद्वार में, जो ऐसे देखा जाए तो बहुत देर लग गई है, क्योंकि रास्ता खुल चुका है और रास्ता बहुत अच्छा बन चुका है। और हमारे एक भैया हैं जो जयपुर से आए हैं, वो यहीं कहीं खड़े होंगे देखता हूँ अभी। भैया आपने रेलवे के बाहर बोला हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर बोला? नहीं बस स्टैंड के बाहर। बस स्टैंड के बाहर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये रहा हमारा बस स्टैंड और हमारे जो भैया हैं वो यहीं कहीं आसपास खड़े होंगे। उनके हाथ में है हमारा इस सरप्राइज। ये आ गया बस स्टैंड और बस स्टैंड के बाहर, और वो खड़े हैं सामने अपने भैया। हेलो भैया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी नमस्ते। ये आप आपका गिटार जल्दी रखो ना, ये रखो ऊपर रखो। अभी टांगू ऐसे कपड़े निकलेंगे, सामान तो निकलेगा। ये तो छोटा सा है, नहीं है फोटो में तो बहुत बड़ा लग रहा था, तो बड़ा पिद्दी सा है। तो भाई ये देखो अपना सामान आ गया, ये अपना बेस गिटार है और ये उसका क्यूब है।
ठीक है भैया, चल तो फिर चले आगे। ठीक है भाई, नमस्ते। ओके हाँ, फिर हैव अ सेफ जर्नी। तो ये हमारे भैया आए थे जयपुर से और हमने अपना बेस एम्प और बेस गिटार ले लिया है, जो कि अप्रैल 2021 से बिफोर लॉकडाउन हमारे भैया के पास जयपुर में रखा हुआ था। तो भाई पता है, बहुत खुशी हो रही है कि अपना बेस एम्प और बेस गिटार आ चुका है, क्योंकि ये रुके हुए इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना कि क्या ही बताऊँ। और मेरे को लग रहा है मैंने ना फ़ोन छोड़ दिया वहीं पे, तो मैं एक बार इसके बैग में चेक कर लूँ कि फ़ोन तो नहीं है मेरा। सेफ है भाई, पता है मेरी ना याददाश्त इतनी ख़राब होती जा रही है ना आजकल, क्योंकि माइंड में ना 10-12 चीज़ें रहती हैं एक टाइम पे, और फिर उसी में ना कोई छोटी छोटी चीज़ घूम जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है, पर याद नहीं रहती। तो यहाँ लगा हुआ है फाटक, क्योंकि आगे से रेल आने वाली है, और स्कूटी और टू व्हीलर का फ़ायदा तो भाई यही होता है कि आप साइड से निकल जाते हो, नहीं तो आप फंसे रहते अगर आप कार में आते। और मैं ना सोच रहा था आज कार में आने की कि गिटार उसमें रख के लाऊंगा, बट हुआ नहीं वो, और अच्छा हुआ नहीं हुआ, नहीं तो भाई मैं 2 घंटे यहाँ जाम में फंस जाता, क्योंकि इतना जाम तो लगता ही लगता है वहाँ पे। अरे भाई हट जाओ, एम्बुलेंस को तो जाने दो। लेट्स ग्रो फ्रॉम दिस साइड, और ये हमारा बच गया थोड़ा सा रास्ता। तो ये हम घर वापस आते हुए अपना सामान लेके। भाई कर देना सब्सक्राइब यार, दिल से बुरा लगता है यार, इस साल हमारी YouTube फैमिली को 10,000 की फैमिली बनाना है, प्लीज कर दो।